अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज। इस समय करनाल के ट्रामा सेंटर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है इलाज करवाने के लिए यहां पर आया हुआ था लगभग 3-4 दिन से, और अब जो है बता रहे हैं कि वो इलाज करवाते समय उसे जो है एडमिट किया गया था यहाँ पर, लेकिन वहाँ से वो चला जाता है अपने आप, और परिवार के लोग परेशान हैं और फिलहाल सुबह से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और चाह रहे हैं कि उनको उसके बेटे के बारे में कुछ पता चल जाए, क्योंकि उनको बिना बताए जो है वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन इलाज जो है यहाँ पर करवाने आया था, 3-4 दिन से जो है यहीं पर इलाज करवा रहे थे और उसके बाद उसे कमरे में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद से जो है बता रहे हैं कि वो खुद ब खुद चला जाता है और परिवार के लोग परेशान हैं। उसकी माता जी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो आप? गांव से गोवा, बाला मेरा नाम है। तो कितने दिन हो गए इलाज करवाते हुए उसका अपने बेटे का? आज हमने जी आज 9वां दिन था, यहाँ आए थे। 9वां दिन है? हाँ, आज 9वां दिन था। तो बेटे का क्या नाम है? सुनील। सुनील, हाँ जी। तो कैसे चला गया, थोड़ा बताओ कैसे चला गया? वैसे बाथरूम करने उतरा था वो, मैंने सोचा चल बाथरूम कर रहा, अंदर बंदे होंगे और भी। फिर वो मैंने दूसरे लड़के को बोला, मैं देख ले भाई गाड़ी उसे लड़का के अंदर, वो कहने लगे आंटी इसमें तो कुछ नहीं है। फिर मैं देखने लगी, रोने लगी। नहीं, कितने बजे सुबह, कितने बजे चला? 8 बजे। 8 बजे सुबह, 8 बजे का बाथरूम करने के लिए गया? हाँ, था बाथरूम करने। तो अंदर चला गया और वहीं से गायब हो गया? बस अंदर तो मैं नहीं जान गया, नहीं बढ़िया करना पड़ा, मैं अंदर फोन ठाण बगी का अपने दूसरे बेड में। आपको एक बार तस्वीर भी दिखा देते हैं कि नाम बेटे का क्या नाम बताया? सुनील। सुनील, सुनील नाम है, सुनील कुमार, आप देख लीजिए। और जो उम्र है लगभग 84 के बर्थ के हिसाब से 37-38 साल की उम्र जो है इसके अंदर देखी जा सकती है। और यहाँ पर जो है आप तस्वीर ध्यान से देख लें, अगर कहीं पर भी आप इसे देखते हैं तो संपर्क जो है परिवार से करें। आपको बता दें ट्रामा सेंटर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर एक शख्स जो है इलाज करवाने आया हुआ था, और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इलाज आखिर इलाज किस चीज़ का इलाज करवाने आए थे यहां पे जो आप 9 दिन से रह रहे हो? दिमाग का था जी। दिमाग का? हाँ जी। क्या परेशानी थी? परेशानी थी कभी आगे ना होता, कभी पीछे ना, और कभी रोटी भी नहीं खाता ना आदमी था। दिमाग परेशानी, परेशान रहता था दिमाग से? परेशान रहता था। शादीशुदा है? नहीं जी, कुंवारा है। कुंवारा है, हाँ जी। तो अब क्या यहाँ पर बात की है डॉक्टर से कि कोई टीवी की कोई फुटेज कहाँ पे निकला, कहाँ से निकला, कोई बात हुई है? नहीं, एक एक तड़की जनानी थी ना वो, हाँ? वो कह रही थी वो भी यहाँ को लिकड़ के गया वो। कंप्लेंट की है? हाँ, पुलिस में? नहीं भी करी है। FIR कराई है? नहीं जी, भी नहीं करवाई। अभी नहीं करवाई है? नहीं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं रिश्तेदार में किसी के पास निकल गया? नहीं नहीं, रिश्तेदारों में कहीं नहीं गया, हमने पत्रकारों को फोन कर लिया, कोई नहीं जा सकता रिश्तेदारों में। अच्छा, नहीं जा सकता कहीं भी हो। कोई बहसबाजी लड़ाई झगड़ा तो ना, नहीं ना, हुआ ना, किसी का किसी का लड़ाई नहीं, उसने कोई कोई लड़ाई नहीं है किसी से। ऐसे पहले ऐसे भी पहले कभी किया है? हाँ, निकल जाता था जी। निकल जाता था? हाँ जी, निकल जाता था। यहाँ पर फिलहाल जो है ये भी जो है अस्पताल के प्रशासन से कहना चाहेंगे कि जो कैमरेज हैं कैमरेज को चेक करवाएं और एक बार बात करने का प्रयास भी करेंगे अस्पताल प्रशासन से कि आखिर कैसे जो है उसकी फुटेज मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है यही कहना चाहेंगे कि कैमरेज से पता चल सकता है कि वो किस तरफ से निकला है ताकि उससे कुछ अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक सुबह 8 बजे से वो अस्पताल में नहीं है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कोई दूर जो है वो निकला है। लेकिन बता रहे हैं दिमागी रूप से परेशान था और ऐसे में इलाज जो है उसी चीज़ का करवाने के लिए आए थे। 9 दिन उन्हें हो गए हैं और उसके बाद बता रहे हैं बाथरूम करने के लिए जब वो निकलता है और उसके बाद से जो है कुछ भी उसका पता नहीं चला है। तो कोई नंबर है आपके पास, एक बार जो है तस्वीर भी दिखा देते हैं, तस्वीर देख लीजिए, कोई नंबर है आपके पास जिससे पता कोई लोगों को पता चले तो आपसे संपर्क करें? ये नंबर है जी। तो यहाँ पर जो है एक बार नंबर भी आपको बता देते हैं। बाला देवी नाम है आपका? हाँ जी, बाला जी। बाला देवी इनका नाम है, इनका नंबर है 96-710-27-734। एक बार नंबर देख लीजिए, 96-710-27-734 जो नंबर है, इस नंबर के ऊपर संपर्क करके आप परिवार को जो है बता सकते हैं कि अगर कहीं पर भी इनका बेटा दिखता है तो इनसे संपर्क करें। आपको बता दें उसने क्या पहना हुआ था सुबह? वो पीली बुशर्ट पहन रखी और ये सी जैकेट पहन रखी, जींस पहनी हुई थी? नहीं जी, जींस नहीं पहन रहा, ऐसे ऐसे पहन रहा, पजामा डाला हुआ था, लोअर लोअर पहना हुआ था। हां, ऐसा लोअर। और शर्ट कौन से रंग की पहनी थी? वो शर्ट पूरी भाई की। और आप बता रहे हो बाल भी मुंडवा रखे हैं? हां, गंजा जी, एक काला सा धागा से गले में।
तो यहाँ पर जो है करनाल में किसी को कहीं भी दिखता है और उसके बाद जो है परिवार से संपर्क करें। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 96710 27734 और तस्वीर भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि ताकि जो है सुनील के बारे में कुछ पता चल सके। ये तस्वीर देख लीजिए, कहीं भी देखते हैं बता रहे बाल मुंडवाए हुए हैं और इलाज करवाने ट्रामा सेंटर में आया हुआ था। कोई इलाज करवाया, कोई उसके ऊपर कोई पट्टी पुट्टी हाथ हूथ पे कुछ ऐसा बंधा हुआ है? बंद रही है सुई, कहाँ पे सुई लग रही है? यहाँ पे सुई लगी हुई है। उतारी नहीं यार, जो ट्रिप लगी हुई है जो ग्लूकोज की, ग्लूकोज की ट्रिप लगी हुई है। फिलहाल लगी होगी या नहीं लगी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीर शेयर की हुई है और नंबर आपको बताया, उस नंबर पर संपर्क कर परिवार की मदद करें। और अस्पताल प्रशासन से भी अपील करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकाल कर कुछ प्रयास करें ताकि परिवार की जो परेशानी है वो कम से कम जो कम हो सके, ताकि कोई जानकारी बेटे के बारे में पता चल सके। तो लोगों से भी इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें। और फिलहाल कम से कम थोड़ा अलग सा मामला सामने आया, इस तरीके से कम देखने को मिलता है कि अस्पताल से कोई चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पहले भी बता रहे हैं कि वो ऐसे कहीं ना कहीं चला गया था क्योंकि दिमागी रूप से परेशान था। तो लोग नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। इस समय करनाल के ट्रामा सेंटर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है इलाज करवाने के लिए यहां पर आया हुआ था लगभग 3-4 दिन से, और अब जो है बता रहे हैं कि वो इलाज करवाते समय उसे जो है एडमिट किया गया था यहाँ पर, लेकिन वहाँ से वो चला जाता है अपने आप और परिवार के लोग परेशान हैं और फिलहाल सुबह से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और चाह रहे हैं कि उनको उसके बेटे के बारे में कुछ पता चल जाए, क्योंकि उनको बिना बताए जो है वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन इलाज जो है यहाँ पर करवाने आया था 3-4 दिन से जो है यहीं पर इलाज करवा रहे थे और उसके बाद उसे कमरे में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद से जो है बता रहे हैं कि वो खुद ब खुद चला जाता है और परिवार के लोग परेशान हैं। उसकी माता जी हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका, कहाँ से कहाँ रहते हो आप? गांव से गोवा, बाला मेरा नाम है। तो कितने दिन हो गए इलाज करवाते हुए उसका अपने बेटे का? आज हमने जी आज 9वां दिन था, यहाँ आए थे। 9वां दिन है? हाँ, आज 9वां दिन था। तो बेटे का क्या नाम है? सुनील। सुनील, हाँ जी। तो कैसे चला गया, थोड़ा बताओ कैसे चला गया वो? वैसे बाथरूम करने उतरा था वो, मैंने सोचा चल बाथरूम कर रहा अंदर बंदे होंगे और भी, फिर वो मैंने दूसरे लड़के को बोला, मैं देख ले भाई गाड़ी उसे लड़का के अंदर, वो कहने लगे आंटी इसमें तो कुछ नहीं है, फिर मैं देखने लगी रोने लगी। नहीं, कितने बजे सुबह, कितने बजे? 8 बजे सुबह, 8 बजे का बाथरूम करने के लिए गया था। बाथरूम करने तो अंदर चला गया और वहीं से गायब हो गया? बस अंदर तो मैंने जान दी गया नहीं, बढ़िया करना पड़ा, मैं अंदर फोन ठाण बगी का अपने दूसरे बेड में। आपको एक बार तस्वीर भी दिखा देते हैं कि नाम बेटे का क्या नाम बताया? सुनील। सुनील, सुनील नाम है, सुनील कुमार, आप देख लीजिए। और जो उम्र है लगभग 84 के बर्थ के हिसाब से 37-38 साल की उम्र जो है इसके अंदर देखी जा सकती है। और यहाँ पर जो है आप तस्वीर ध्यान से देख लें, अगर कहीं पर भी आप इसे देखते हैं तो संपर्क जो है परिवार से करें। आपको बता दें ट्रामा सेंटर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर एक शख्स जो है इलाज करवाने आया हुआ था। और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इलाज आखिर इलाज किस चीज़ का इलाज करवाने आए थे यहां पे, जो आप 9 दिन से रह रहे हो यहां? दिमाग का था जी। दिमाग का? हाँ जी। क्या परेशानी थी? परेशानी यही थी, कभी आगे ना होता, कभी पीछे ना, और कभी रोटी भी नहीं खाता, ना भी था दिमाग, परेशानी परेशान रहता था दिमाग से? परेशान रहता था। शादीशुदा है? नहीं जी, कुंवारा है। कुंवारा है, हाँ जी। तो अब क्या यहाँ पे बात की है डॉक्टर से कि कोई टीवी की कोई फुटेज कहाँ पे निकला, कहाँ से निकला, कोई बात हुई है? नहीं, एक लड़की जनानी थी ना, वो हाँ? वो कह रही थी वो भी यहाँ को लिकड़ के गया वो। कंप्लेंट की है? हाँ, पुलिस में? नहीं भी करी है। FIR कराई है? नहीं जी, भी नहीं करवाई। अभी नहीं करवाई है? नहीं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं रिश्तेदार में किसी के पास निकल गया? नहीं, रिश्तेदारों में कहीं नहीं गया, हमने पत्रकारों को फोन कर लिया, कोई नहीं जा सकता रिश्तेदारों में। अच्छा, नहीं जा नहीं सकता कहीं भी। कोई बहसबाजी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? ना, किसी का लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है किसी से। ऐसा पहले ऐसे भी पहले कभी किया है? हाँ, निकल जाता था। निकल जाता था? हाँ जी। तो यहाँ पर फिलहाल जो है ये भी जो है अस्पताल के प्रशासन से कहना चाहेंगे कि जो कैमरेज हैं कैमरेज को चेक करवाएं और एक बार बात करने का प्रयास भी करेंगे अस्पताल प्रशासन से कि आखिर कैसे जो है उसकी फुटेज मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है यही कहना चाहेंगे कि कैमरेज से पता चल सकता है कि वो किस तरफ से निकला है, ताकि उससे कुछ अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक सुबह 8 बजे से वो अस्पताल में नहीं है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कोई दूर जो है वो निकला है, लेकिन बता रहे हैं दिमागी रूप से परेशान था और ऐसे में इलाज जो है उसी चीज़ का करवाने के लिए आए थे। 9 दिन उन्हें हो गए हैं और उसके बाद बता रहे हैं बाथरूम करने के लिए जब वो निकलता है और उसके बाद से जो है कुछ भी उसका पता नहीं चला है।
तो कोई नंबर है आपके पास? एक बार जो है तस्वीर भी दिखा देते हैं, तस्वीर देख लीजिए, कोई नंबर है आपके पास जिससे पता, कोई लोगों को पता चले तो आपसे संपर्क करें? ये नंबर है जी। तो यहाँ पर जो है एक बार नंबर भी आपको बता देते हैं। बाला देवी नाम है आपका? हाँ जी, बाला जी। बाला देवी इनका नाम है। इनका नंबर है 96-710-27-734। एक बार नंबर देख लीजिए, 96-710-27-734 जो नंबर है, इस नंबर के ऊपर संपर्क करके आप परिवार को जो है बता सकते हैं कि अगर कहीं पर भी इनका बेटा दिखता है तो इनसे संपर्क करें। आपको बता दें उसने क्या पहना हुआ था सुबह? वो पीली बुशर्ट पहन रखी और ये सी जैकेट पहन रखी, जींस पहनी हुई थी? नहीं जी, जींस नहीं पहना, ऐसे पहन रहा, पजामा डाला हुआ था, लोअर लोअर पहना हुआ था। हां ऐसा लोअर। और शर्ट कौन से रंग की पहनी थी? बुशर्ट पूरी भाई की। और आप बता रहे हो बाल भी मुंडवा रखे हैं? हां गंजा जी, एक काला सा धागा सिर में। तो यहाँ पर जो है करनाल में किसी को कहीं भी दिखता है और उसके बाद जो है परिवार से संपर्क करें। नंबर आपको फिर से बता देते हैं, 96-710-27-734, 96-710-27-734। और तस्वीर भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि ताकि जो है सुनील के बारे में कुछ पता चल सके। ये तस्वीर देख लीजिए, कहीं भी देखते हैं बता रहे बाल मुंडवाए हुए हैं और इलाज करवाने ट्रामा सेंटर में आया हुआ था। कोई इलाज करवाया, कोई उसके ऊपर कोई पट्टी पुट्टी हाथ हूथ पे कुछ ऐसा बंधा हुआ है? बंद रही है सुई, कहाँ पे सुई लग रही है? यहाँ पे सुई लगी हुई है। उतारी नहीं व्याल, जो ट्रिप लगी हुई है जो ग्लूकोज की, ग्लूकोज की ट्रिप लगी हुई है। फिलहाल लगी होगी या नहीं लगी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीर शेयर की हुई है और नंबर आपको बताया, उस नंबर पर संपर्क कर परिवार की मदद करें। और अस्पताल प्रशासन से भी अपील करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकाल कर कुछ प्रयास करें ताकि परिवार की जो परेशानी है वो कम से कम जो कम हो सके, ताकि कोई जानकारी बेटे के बारे में पता चल सके। तो लोगों से भी इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल कम से कम थोड़ा अलग सा मामला सामने आया, इस तरीके से कम देखने को मिलता है कि अस्पताल से कोई चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पहले भी बता रहे हैं कि वो ऐसे कहीं ना कहीं चला गया था क्योंकि दिमागी रूप से परेशान था। तो लोग